तो फिजिक्स में फिजिक्स को अच्छे से पढ़ने के लिए अगर हम लोग 11th क्लास के हिसाब से बात करें, आगे हमारे पास कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम का बार बार रिक्वायरमेंट आने वाला है। ठीक है, जब भी हम लोग फिजिक्स के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हमें आना काफी जरूरी है। ठीक है, हमेशा हमें हो सकता है कि ट्रिगो का रिक्वायरमेंट पड़े, हो सकता है कि हमें लीनियर इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंट तरह के फंक्शंस का रिक्वायरमेंट पड़े, तो ये सब बेसिक बातों को हमें सीख लेना चाहिए पहले से, ताकि जब हम फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो इन मैथमेटिक्स की वजह से हम लोग कहीं फंस ना सके। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, और फिर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कुछ बच्चे क्लास 10 में पढ़ चुके हैं, और जो लोग नहीं पढ़े हैं या फिर थोड़ा बहुत पढ़े हैं, हम लोग वापस से देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम ऐसा किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए डिफाइन करते हैं, और इस ट्राइंगल के तीन साइड को नाम दिया गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज से। ठीक है, इस ट्रायंगल के तीन साइड का नाम दे दिया गया परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच का एंगल 90 डिग्री कहलाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ये हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर के साथ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होगा। अगर मैं इस हाइपोटेन्यूज के रिलेशन की बात कर लूं तो ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू हमारे पास निकल के आएगा एच का वैल्यू, पाइथागोरस थ्योरम से ये बड़ी आसानी से कैलकुलेट होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई थिंक सबको ये बातें मालूम होंगी। तो सवाल है कि ट्रिगो में हम लोग एग्जैक्टली करते क्या है, और इस चैप्टर का नाम ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्यों रखा गया है, इन सब बातों को जरा सोचते हैं। तो ट्रिगो में अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ऑब्वियसली किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का समेशन मिला के 180 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है, और अगर मैं इस एंगल कोई रैंडम सा एंगल थीटा बोल दूं, थीटा का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगर ये कोई भी एंगल थीटा रहा तो ऑटोमेटिक ये एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा आएगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का समेशन मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हमसे ये बोला जाए, सपोज करो कि ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, मान लेते हैं थोड़े समय के लिए कि ये थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो अगर हमसे ये पूछा जाए, जरा बताओ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो ही गया, अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो बताओ इस 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होता है, या बेस का क्या होता है, या फिर हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होता है। अगर हमसे ये बातें पूछी गई तो मैं एग्जैक्टली कुछ बता ही नहीं पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं कमेंट कर सकता हूँ कि 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 30 डिग्री है तो फिर ये 60 डिग्री होगा, और यहाँ 90 डिग्री हमारे पास है, 90, 30, 60। इस सेट ऑफ एंगल के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास कोई एक ट्राइंगल अगर होता 90, 30 और 60 को डिफाइन करता हुआ, सिर्फ एक ही ट्राइंगल होता तो उसके परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज फिक्स होते हैं। बट मैं सेम एंगल ऑफ ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग बात करूं, सेम सेम सेट ऑफ एंगल 90, 30 और 60 की बात कर रहा हूं, इस सेट ऑफ एंगल के कोरस्पॉन्डिंग मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकता हूं। एक ट्रायंगल इससे छोटा, अगर मैं बी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूं, पी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लूं, और एच के पैरेलल एक और लाइन एच डैश ड्रॉ कर लूं, फिर से देखेंगे अगर पैरेलल ही है ये तीनों वैल्यू, तो निश्चित रूप से इस केस में जो एंगल का वैल्यू आएगा ये सेट ऑफ एंगल बिल्कुल इक्वल होगा। तो हमने ये देखा कि सेम सेट ऑफ एंगल के कोरस्पॉन्डिंग अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास कोई सिंगल ट्रायंगल ना हो के इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायंगल हो सकता है। जैसे ये ग्रीन के कोरस्पॉन्डिंग मैंने पिंक कलर का ट्रायंगल ड्रॉ किया है, जो कि बी के पैरेलल बी डैश है, सी के पैरेलल बी डैश है, एच के पैरेलल एच डैश है। ऐसा ही मैं और भी बड़े ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ, उससे भी बड़े ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। यानी बेसिकली सिर्फ एंगल को डिफाइन करने से हम लोग परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को लेकर कमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका कोई एक सिंगल वैल्यू नहीं हो। तो ऐसे केस में मैं पी बी और एच के वैल्यू को लेकर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट अगर मैं इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग किसी दो साइड के रेशियो को देख लूँ, जैसे परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को देख लूँ, तो चाहे ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लें या फिर छोटे वाले ट्रायंगल ले लें, दोनों केस में इन दोनों का रेशियो एक फिक्स वैल्यू देगा। पी और बी का रेशियो बिल्कुल एक फिक्स वैल्यू देगा। पी और बी का रेशियो मैं इस ग्रीन वाले ट्रायंगल से लूँ या फिर पिंक वाले ट्रायंगल से पी डैश और बी डैश का रेशियो लूँ, ये बिल्कुल फिक्स होगा, क्योंकि पी डैश पी के रिस्पेक्टिव जिस रेशियो से कम हुआ होगा, बी डैश भी उसी रेशियो से बी के रिस्पेक्ट में कम हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में किसी भी दो साइड के रेशियो, चाहे मैं पी और बी का रेशियो ले लूँ, पी और एच का रेशियो ले लूँ, एच और बी का रेशियो ले लूँ, किसी भी दो साइड के रेशियो ले लूँ, चाहे छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें या बड़े वाला ट्राइंगल की बात करें, हमेशा एक फिक्स वैल्यू आना है। यानी कि अगर 90, 30 और 60 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो ट्राइंगल डिफाइन है, उन सारे ट्रायंगल में मैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज को इंडिविजुअली तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट इनमें से किसी भी दो साइड के रेशियो को बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और वो एक फिक्स वैल्यू आएगा। इनफैक्ट किसी भी थीटा के कोरस्पॉन्डिंग, किसी
किसी दो साइड का रेशियो फिक्स होता है, चाहे वो हम लोग चाहे हम लोग कौन सा भी कोई सा भी ट्रायंगल ले ले, किसी भी साइज का ट्रायंगल क्यों ना ले, छोटा ले बड़ा वाला ट्रायंगल ले और बड़ा साइड करते चले, हर केस में दो साइड का रेशियो कैसा आएगा, एक फिक्स वैल्यू आएगा अगर हमने एक एंगल को फिक्स कर रखा है। तो इसीलिए हम लोग इस चैप्टर में रेशियो की बातें करते हैं। रेशियो किसकी, किसके रेशियो की बात करते हैं, तो दो साइड के रेशियो की बात करते हैं। और चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल में तीन तरह के साइड है, पी बी और एच है, इनमें से किसी भी दो का रेशियो निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा किसी पार्टिकुलर एंगल पे। तो ऐसा करते करते हमारे पास टोटल छह तरह का रेशियो हो सकता है, पी बाई एच, एच बाई पी, पी बाई बी, बी बाई पी, बी बाई एच और एच बाई बी। टोटल छह तरह के रेशियो होते हैं, इन सबको एक एक नाम दे दिया गया, जैसे साइन थीटा का नाम दे दिया गया पी बाई एच। हमें इस तरह किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को हम नाम देंगे साइन थीटा। सिमिलरली बेस और हाइपोटेन्यूज के रेशियो को नाम देंगे कॉस थीटा, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को नाम देंगे टैन थीटा। कॉट थीटा टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि बी और पी का रेशियो होता है। सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एच बाई बी होता है। और कॉस थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो एच बाई पी होता है। सारे लोग ये बात समझ पा रहे हो? यस सर। सबको ये बातें समझ में आ रही चाहिए, ठीक है? किसी को डाउट है तो हमने ये देखा अभी, ये जो टोटल छह तरह के रेशियो हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इन सारे तरह के रेशियो में डिफरेंट एंगल के कोरस्पॉन्डिंग चले जाएंगे तो किसी भी दो साइड का रेशियो वैरी करना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं 30 डिग्री के लिए पी और एच का रेशियो निकालूं और 45 डिग्री के लिए पी और एच का रेशियो निकालूं, तो ये दो अलग अलग वैल्यू आए, क्योंकि जैसे जैसे एंगल चेंज होता जाएगा। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल में एक 30 डिग्री ले लूं और दूसरे केस में 45 डिग्री ले लूं, क्या दोनों केस में रेशियो सेम आया क्या? बिल्कुल नहीं आया, अलग अलग रेशियो आएगा। सारे लोग समझ पा रहे हो? तो एंगल का वैल्यू चेंज होता जाएगा तो वैल्यू भी हमारा, किसी भी दो साइड के रेशियो का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा। तो एक टेबल है हमारे पास जिसे क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, और डिफरेंट एंगल के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट तरह का जो रेशियो है, इस टेबल को हम लोग याद करते हैं, ठीक है? 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री, ये क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा। और दो एंगल अभी हम लोग क्लास 11 में डिस्कस करेंगे, 37 डिग्री और 53 डिग्री के बारे में, जो कि फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है? तो हर एंगल के कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं साइन थीटा की बात करूं या पी और एच के रेशियो की बात करूं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। इस वैल्यू को हमें याद करना होता है। कैसे रिमेम्बर करेंगे, कुछ तरीका है उसको याद करने का, सीखेंगे। और एक बार साइन थीटा याद होगा, फिर हम लोग कॉस थीटा भी देखेंगे कुछ तरीके से, फिर टैन थीटा का भी कुछ प्रोसेस है। ऐसे करते रहते सारे टेबल याद हो जाते हैं, ठीक है? बड़ी आसानी से याद होता होगा, काफी लोगों को याद भी होगा। जो लोग नहीं याद है एक बार देख लेते हैं जल्दी से। मैं 37 और 53 पे बाद में आऊंगा, पहले 0 से लेकर 90 डिग्री की बात करूं। सबसे पहले साइन 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री की बात की जाए तो मैं रफली अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूं 0 डिग्री, 0 डिग्री इन द सेंस कि अगर ये हमारा परपेंडिकुलर है, जरा ध्यान देना, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज है, इस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग। थीटा हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल थीटा होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच का एंगल थीटा होता है। अगर थीटा हमारा ये डिफाइन है तो ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। थीटा अगर यहाँ डिफाइन है तो ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ध्यान रखोगे जिधर एंगल है उधर हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है? तो अगर हमसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू पूछा जा रहा है, यानी बेसिकली हमसे पी और एच का रेशियो पूछा जा रहा है, तो अगर 0 डिग्री की बातें होंगी तो हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, एंगल को घटाने की कोशिश करेंगे। जरा देखो, तो एंगल को घटाते जाओगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा क्या? एंगल को जब हम कम, एंगल को जब कम करते चले जाएंगे तो पी कैसा होता चला जाएगा, छोटा छोटा होता चला जाएगा क्या? और जब ये एंगल बिल्कुल 0 डिग्री के करीब हो जाएगा तो हमारा परपेंडिकुलर भी कैसा होगा, ऑलमोस्ट 0 के जैसा हो जाएगा, ठीक है? जब हम लोग 0 की बात करेंगे, एंगल 0 डिग्री की बात करेंगे, तो परपेंडिकुलर भी कैसा होगा, 0 के जैसा हो जाएगा। तो अगर ये परपेंडिकुलर 0 के बराबर है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज का रेशियो कैसा होगा, 0। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जब एंगल 0 की तरफ होता जा रहा है तो बेस और ये जो हाइपोटेन्यूज था, इन दोनों का वैल्यू भी कैसा होता चला जा रहा है, इक्वल होता चला जा रहा है। जब ये परपेंडिकुलर बिल्कुल घट के 0 आ जाएगा तो ये हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों सेमी लाइन हो जाएंगे, यानी दोनों का वैल्यू इक्वल आएगा। तो बी और एच का वैल्यू अगर इक्वल आया तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कैसा होना चाहिए, कॉस यानी बी बाई एच का रेशियो 1 होना चाहिए। साइन पी बाई एच का रेशियो, तो साइन में अगर 0 डिग्री की बात करेंगे तो पी 0 होगा, तो पी बाई एच का रेशियो 0 होगा, ठीक है? आई थिंक सारे लोग समझ पा रहे होंगे। ऐसे 30 डिग्री का रेशियो 1/2 होता है। ये सारा डाटा रैंडम नहीं है, ये सारा डाटा एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया। साइन 45 अगेन बताना थोड़ा आसान है हमारे लिए, 45 को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो ये मुझे
राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ऐसे केस में अगर मैं इसके परपेंडिकुलर के वैल्यू एक्स बताऊं तो निश्चित रूप से ये भी एक्स ही रहा होगा अगर ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो जब हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये वैल्यू रूट अंडर टू एक्स स्क्वायर यानी बेसिकली रूट टू एक्स आ जाएगा, तो ये हमारा रूट टू एक्स आएगा। अब जरा देखो तो अगर मैं साइन 45 निकालने की कोशिश करूँ तो परपेंडिकुलर एक्स हाइपोटेन्यूज रूट टू एक्स, तो इन दोनों का रेशियो जब लोगे एक्स बाई रूट टू एक्स हमेशा वन बाई रूट टू देगा, एक्स कुछ भी क्यों ना हो। उसी तरह बेस और हाइपोटेन्यूज यानी कि कॉस 45 निकालेंगे तो भी 1 बाई रूट टू देगा, और जब टैन थीटा निकालेंगे परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो तो एक्स बाई एक्स हमेशा 1 देगा, टैन 45 1 होता है। सारे लोग इस बात को समझ रहे हो? तो साइन कॉस टैन अगर हमने निकाल लिया तो बेसिकली हमें सारा वैल्यू निकल आएगा क्योंकि बाकी सारे तो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं। कुछ डाउट है यहाँ पे? तो ये जो जितने डाटा दिए गए ना ये डाटा वेरीफाइड डाटा है, ये डाटा तुम्हें याद रखना होगा और ज्यादा तुम्हें याद नहीं रखना है। जीरो तो जीरो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा, 45 वाला भी मैंने समझा दिया, 90 डिग्री पे वन होता है ये भी थोड़ा समझा दूंगा चाहोगे तो, बट ठीक है याद कर सकते हो। 30 डिग्री पे 1 बाई टू, 60 डिग्री पे रूट 3 बाई टू ये तुम्हें याद होना चाहिए। रही बात 57 और 53 इसको याद कैसे करेंगे तो जरा देखोगे ये जो 3 4 5 वाला ट्राइंगल है, 3 4 5 काफी वेल डिफाइंड डाटा है, सबको पता होता है कि रूट अंडर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 के बराबर होगा। तो ये जो डाटा है इस डाटा के कोरस्पॉन्डिंग जो ट्रायंगल डेवलप होगा राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ये एंगल 37 होता है और ये 53 होता है। तो अगर ये 37 है तो परपेंडिकुलर 3 बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5, अगर एंगल 53 है तो परपेंडिकुलर 4 बेस 3 और ये हाइपोटेन्यूज 5। कैसे याद रखेंगे? ये तो कंफर्म है कि 5 हमारा हाइपोटेन्यूज है, बेस कौन होगा परपेंडिकुलर कौन होगा ये बात हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बड़ा आसान है, सोचो जरा अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर ये 45 वाला ट्रायंगल होता राइट एंगल में तो 45 में ये परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता, ठीक है। तो अगर ये हमारा 5 है तो जरा सोचो अगर ये 45 है तो 45 में परपेंडिकुलर और बेस इक्वल होता। अगर हम 37 डिग्री की बात करेंगे तो 37 डिग्री निश्चित रूप से 45 डिग्री से कम होगा, तो कम होगा तो ये परपेंडिकुलर कैसा रहा होगा? बेस के कंपेयर में छोटा होगा, तो परपेंडिकुलर अगर बेस के कंपेयर में कम होगा तो ये 3 होगा, ये 4 होगा और ये 5 होगा। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? अगर परपेंडिकुलर हमारा बेस के कंपेयर में छोटा है तो परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस 4 होगा, 3 और 4 इसी दोनों में कंपेयर करना है, हाइपोटेन्यूज को 5 है। और अगर 45 से बड़ा एंगल ले ले यानी कि 53 डिग्री वाला एंगल ले ले, अगर ये टोटल एंगल 53 है तो देख पा रहे हैं कि 45 से ज्यादा जाएंगे तो परपेंडिकुलर ज्यादा बड़ा होगा, तो इस बार परपेंडिकुलर 4 होगा और बेस हमारा 3 होगा, यानी कि जब 53 की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर बड़ा हो जाएगा और जब 37 की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा। सारे लोग समझ रहे होंगे? तो 3 4 5 को कंपेयर करना बड़ा आसान है, 3 4 5 को कैलकुलेट करना बड़ा आसान है, क्योंकि 3 4 5 में जब एंगल 37 डिग्री होगा तो परपेंडिकुलर छोटा है यानी परपेंडिकुलर 3 होगा, बेस 4 होगा, हाइपोटेन्यूज 5 चाहिए। और 53 की बात करें तो परपेंडिकुलर बड़ा होगा यानी परपेंडिकुलर 4 होगा, बेस 3 होगा, हाइपोटेन्यूज 5 है। तो साइन 37 पूछा गया तो 37 के लिए बात करेंगे तो परपेंडिकुलर 3 बेस 5, इसलिए वैल्यू आ जाएगा 3/5। साइन 53 के लिए साइन परपेंडिकुलर 4 बेस 5 4/5, ऐसे करके ये डाटा हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है? ठीक है, तो 0 30 डिग्री 45 60 90 37 33, ये जनरली एक ऐसा डाटा है इसका रिक्वायरमेंट हमें बार बार पड़ेगा और इस डाटा के कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू हमें दिए गए हैं। ये टेबल को कैसे याद करें थोड़ा सा जल्दी से समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि सिर्फ एटलीस्ट साइन के वैल्यू को तुम्हें रिमेम्बर करना होगा और रिमेम्बर करने का भी कुछ लॉजिक है, रैंडम कोई डाटा है नहीं। अभी अभी मैंने जीरो को एक्सप्लेन किया है और मैंने 45 डिग्री को भी एक्सप्लेन किया है और 37 और 53 को भी मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 37 के कोरस्पॉन्डिंग बात करेंगे तो परपेंडिकुलर छोटा होगा और बेस थोड़ा बड़ा होगा, तो 3/4 का फैक्टर आएगा, 3 इधर आएगा परपेंडिकुलर और 4 आएगा बेस, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5। सिमिलरली 53 की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर 4 होगा और हाइपोटेन्यूज होगा 5, तो 4/5। 90 डिग्री पे 1, 60 डिग्री पे रूट 3/2 और 30 डिग्री पे 1/2। इस पूरे स्टेप में देखोगे कभी भी साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं है और ये कभी हो भी नहीं सकता है। क्यों? साइन थीटा पी और एच का रेशियो है। क्या कभी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो सकता है? क्या? कभी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा कभी नहीं हो सकता है, इसीलिए साइन थीटा का वैल्यू कभी 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। हमेशा साइन थीटा का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 और इक्वल टू वाला कंडीशन भी किसी स्पेशल कंडीशन 90 डिग्री पे आता है, ठीक है। तो ये टेबल तुम्हें याद हो गया तो कॉस का वैल्यू रिमेम्बर करना थोड़ा आसान होता है।
कॉस थीटा का वैल्यू साइन थीटा के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जैसा होता है, जैसे कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू अगर देख ले तो कॉस के 60 डिग्री जैसा होगा, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री हो गया, तो साइन का जो भी 30 डिग्री वैल्यू होगा वो कॉस के 30 जैसा होगा, साइन का 60 जो है वो कॉस के 30 जैसा है, साइन का 90 जो है वो कॉस के 0 जैसा है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वैल्यू देखो, साइन का 37 जो है वो कॉस के 53 के जैसा है, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जैसा है। और रीजन बिल्कुल क्लियर है, जब हम लोग साइन 37 यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं 3/5, तो ये 3 37 के लिए परपेंडिकुलर है, बट इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 53 के लिए 3 कैसा दिखाई दे रहा है, बेस की तरह दिखाई दे रहा है क्या? 37 के लिए 3 अगर परपेंडिकुलर है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री यानी 53 के लिए यही परपेंडिकुलर कैसा बन जाएगा? बेस बन जाएगा। तो अगर किसी एंगल के लिए हम साइन थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं, पी बाई एच का रेशियो ले रहे हैं, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री के लिए वही रेशियो बी बाई एच का रेशियो कहलाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर बेस बन चुका है और बेस हमारा परपेंडिकुलर बन चुका है। तो साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग हमेशा ऐसे रिलेट कर पाएंगे कि साइन के एक सर्टेन एंगल का वैल्यू जो रहा होगा, अगर मैं उस एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेता हूँ तो कॉस के वैल्यू के कॉस ऑफ दैट एंगल के वैल्यू के बराबर आएगा। तो बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं हम लोग, एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं लाइक साइन थीटा का वैल्यू हमारे पास आता है कॉस 90 माइनस थीटा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के वैल्यू के बराबर होता है। सिमिलरली कॉस थीटा का वैल्यू आता है साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारे लोग समझ पा रहे हो इस बात को? ठीक है, ये कारण मैंने एक्सप्लेन किया है। साइन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो पी बाई एच 3/5 का रेशियो, और 53 के लिए यही 3 बेस की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी परपेंडिकुलर बेस बन जाएगा और बेस हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करते हुए सारे टेबल को हम लोग याद कर सकते हैं। साइन का अगर याद है कॉस उसके कॉम्प्लीमेंट्री का वैल्यू होता है, और एक बार साइन और कॉस निकल गया तो टैन थीटा तो बड़ा आसान हो जाएगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पी बाई एच बाई बी बाई एच, देखो तो पी बाई बी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ पी बाई एच बाई बी बाई एच, एच और एच कैंसिल आउट हो जाएगा तो बेसिकली ये पी बाई बी ही बचेगा। तो टैन थीटा को बेसिकली हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर तुम्हें साइन का वैल्यू पता है कॉस का वैल्यू पता है तो इन दोनों का रेशियो टैन के बराबर होगा। तो चलो टैन जीरो का वैल्यू देखो तो इन दोनों का रेशियो 0/1, टैन 30 का वैल्यू इन दोनों का रेशियो 1/2 और √3/2, 2 कैंसिल आउट होगा 1/√3, इन दोनों का रेशियो 1, इन दोनों का रेशियो √3, 1/0 नॉन डिफाइंड, 3/5 डिवाइडेड बाई 4/5 3/4। तो ऐसे करके टैन भी निकाल सकते हो, साइन और कॉस पता चल गया टैन निकल गया, और एक बार ये तीनों निकल गए तो कॉट तो टैन का रेसिप्रोकल आएगा, जो भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लो। उसी तरह सेक कॉस का रेसिप्रोकल आएगा, कॉस जो होगा वो साइन का रेसिप्रोकल आएगा, ये बात ध्यान रखनी होगी। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? सारे लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या? कंफर्म करो। यस सर। ठीक है, हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं फर्दर। तो ये एक टेबल है जो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, और ऐसे रिमेम्बर होना चाहिए कि मैं कुछ भी पूछो तुम तुरंत रिप्लाई करो बिना सोचे, बिल्कुल वो तुम्हारे दिमाग में से 2+4 हमेशा 6 हो सकता है, साइन 30 हमेशा 1/2, साइन 45 1/√2, मैं 45 का साइन पूछो तुरंत मुंह से निकलना चाहिए 1/√2। ठीक है, एनीवे फर्दर हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गया 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में बहुत सारे एंगल के वैल्यू हमें याद हो गया, या फिर हम लोग याद कर लेंगे। अगर तुमसे 90 डिग्री से ज्यादा एंगल का वैल्यू पूछा गया तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी सीखना है, हमें बार बार इसका रिक्वायरमेंट आने वाला है, 90 डिग्री से ज्यादा का वैल्यू कैसे निकालना है। तो इसके लिए जरा देखते हैं हम लोग, जब भी हम किसी ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे तो हमेशा हम लोग किसी हमेशा उस लाइन के एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस लाइन होता है। और जब भी हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी लाइन के एंगल का मेजरमेंट करते हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज से मेजर करते हैं, ये बेसिकली हमारा रेफरेंस है। अदरवाइज मुझे बार बार एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि एक लाइन किस लाइन से एक सर्टेन एंगल बना रहा है। अगर मैं बोलूं कि एक लाइन है जो कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है तो बिल्कुल तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये एंगल एक्स एक्सिस से बनाया जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, माइनस थीटा बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक लाइन 30 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस से तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वो 30 डिग्री लेफ्ट, वो 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी बना सकता है, क्लॉकवाइज भी बना सकता है। बट सवाल है कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज दें या क्लॉकवाइज दें, तो अगेन हम लोग यहाँ पे एक रेफरेंस डिफाइन किए हुए, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव एंगल लेंगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। कोई लॉजिक नहीं है, सिंपली किसी एक डायरेक्शन को डिफाइन करना था, हमने एंटी क्लॉकवाइज को डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो अगर कोई ट्रायंगल मैं ड्रॉ करता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जरा इमेजिन करो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो हाइपोटेन्यूज होगा और ये उसका बेस कहलाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाला लाइन, ये इसका परपेंडिकुलर कहलाएगा।
तो अगर कोई ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया गया है तो निश्चित रूप से ये थीटा एंगल कैसा बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में बनेगा। तो 0 से 90 डिग्री वाले एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग जब हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये ट्रायंगल डिफाइन हो रहा है, ये थीटा हमेशा हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज देंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल कितना आएगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में आएगा। तो इस ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा क्या, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा वाई एक्सिस से पैरेलल वैल्यू है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में वाई एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव आता है। उसी तरह बेस की बात करें तो बेस भी हमारा पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेस का वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब इसके हाइपोटेन्यूज की बात करेंगे तो हाइपोटेन्यूज हमेशा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो रूट के अंदर अगर किसी वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। तो एच का वैल्यू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं जहां परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है और हाइपोटेन्यूज भी पॉजिटिव है, तो इसमें से किसी भी दो साइड का रेशियो लूंगा तो हमेशा वो वैल्यू पॉजिटिव आएगा। चाहो तो पी और एच, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, पी और बी फिर से दोनों पॉजिटिव है, इनफैक्ट पी बी और एच तीनों ही पॉजिटिव है, किसके लिए, अगर एंगल हमारा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो। तो इसमें मैं किसी भी दो साइड का रेशियो लूं तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर मैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूं तो वैल्यू निश्चित रूप से पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर मैं तुमसे साइन 40 डिग्री का वैल्यू पूछूं तो अगर हम वैल्यू ना भी बता पाए तो हम ये कमेंट जरूर कर सकते हैं, क्योंकि हमसे साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा गया है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे वैल्यू पॉजिटिव होते हैं, तो साइन भी निश्चित रूप से पॉजिटिव रहा होगा। हम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये बात बोल सकते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव तो होगा, नेगेटिव तो नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो ये फिर एंगल हमारा ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, ठीक है। ये 90 से 180 डिग्री के बीच वाला कोई ट्रायंगल है और इस केस में अगर हम अगेन बात करें तो ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कि वाई एक्सिस से पैरेलल है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी वाई का वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन जब एक्स की बात करेंगे तो इस बार एक्स वाला वैल्यू नेगेटिव आएगा, बट हाइपोटेन्यूज तो खैर हमेशा पॉजिटिव होना है क्योंकि रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे केस में P पॉजिटिव है, H पॉजिटिव और B नेगेटिव है, तो सिर्फ P और H का रेशियो ही पॉजिटिव होगा। और P और H का रेशियो कौन होता है, तो P by H sin थीटा होता है और उसका रेसिप्रोकल H by P cosec थीटा होगा। यानी कि अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री के बीच में किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करें तो सिर्फ sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव आएगा, बाकी मैं और कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लूंगा तो वैल्यू नेगेटिव आएगा। चाहे मैं B by H ले लूं नेगेटिव आएगा, चाहे मैं B और P का रेशियो ले लूं ये भी नेगेटिव आएगा। B और H का रेशियो, B और P का रेशियो, ये वैल्यू हमेशा कैसे आएंगे, नेगेटिव वैल्यू आएंगे। सारे लोग समझ पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि B का वैल्यू नेगेटिव है, H का वैल्यू पॉजिटिव है, P का वैल्यू भी पॉजिटिव है, B का वैल्यू नेगेटिव है, तो ये रेशियो हमेशा कैसे आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा। किसी को डाउट है क्या, ठीक है। इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूं थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लूं कि अगर किसी ट्रायंगल के, हां बोलो सर, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जो B का वैल्यू वो x एक्सिस के, हाँ, बेस हमेशा हमारा ये वाला वैल्यू होता है, x एक्सिस वाला, परपेंडिकुलर y एक्सिस वाला, क्योंकि एंगल हम लोग पॉजिटिव x एक्सिस से ले रहे हैं, पॉजिटिव x एक्सिस से ले रहे हैं, तो ये साइड हमारा बेस कहलाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा। हमेशा परपेंडिकुलर y एक्सिस के लॉन्ग, बेस हो जाएगा x एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि एंगल का मेजरमेंट हम लोग x एक्सिस से ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, बोलो। और सर हाइपोटेनस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा चारों केस में, हां, क्योंकि हाइपोटेनस का वैल्यू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। P का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव हो जाएगा, B का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, तो रूट ऑफ समथिंग प्लस ये वैल्यू एक डिस्टेंस को बता रहा है, तो ये डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। क्या एच का वैल्यू जो कि रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या कभी नेगेटिव आएगा, कभी नहीं आएगा, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। नो सर, ठीक है। तो यहाँ से अगर फर्दर बात करें तो पी पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है, इसके सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑफ कॉसेक पॉजिटिव आ रहा है, बाकी बी और एच का रेशियो, बी और पी का रेशियो नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर मैं पी और बी टैन थीटा की बात कर लूँ तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर मैं बी और एच यानी कॉस थीटा की बात करूँ तो भी नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर तुमसे ये पूछा जाए जरा बताओ टैन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, अगर तुम वैल्यू ना भी बता पाओ तो ये जरूर बता पाओगे कि टैन 120 डिग्री कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सारे लोग कन्फर्म हो, टैन 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में पी और बी का रेशियो, क्योंकि बी नेगेटिव है, पी पॉजिटिव है, इन दोनों का रेशियो तो नेगेटिव आएगा, तो टैन थीटा का वैल्यू कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी 90 से 180 डिग्री के लिए अगर बात करें तो सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। सिमिलरली 180 और 270 डिग्री की बात करें तो थर्ड
क्वाड्रेंट में अगर किसी ट्रायंगल को ड्रॉ किया है हमने, तो इसका परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, हाइपोटेन्यूज तो खैर पॉजिटिव होगा, तो पी और बी का जब रेशियो लेंगे दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो दोनों का रेशियो पॉजिटिव आएगा, बाकी पी और एच और बी और एच का रेशियो लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो पी और बी का रेशियो किसका होता है, पी और बी का रेशियो टैन थीटा का होता है और उसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा का होता है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव आएंगे, बाकी के सारे वैल्यू कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये बेस पॉजिटिव हो जाएगा, परपेंडिकुलर नेगेटिव हो जाएगा, इस बार बी और पी का रेशियो जब देखेंगे तो नेगेटिव आएगा, सिर्फ बी और एच का रेशियो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यही दोनों पॉजिटिव है। B और H का रेशियो कौन होता है, cos और sec होता है, तो इस बार cos थीटा और sec थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी के सारे वैल्यू कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, तो अभी तक हम लोग ये देख पा रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो चूंकि P, B और H सारे वैल्यू पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में किसी भी दो के रेशियो की बात करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो आइदर पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी कुछ भी ले लें, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव आएंगे। बट जैसे ही हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री की बात करें, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे वैल्यू पॉजिटिव होंगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो पॉजिटिव होंगे। बट 90 से 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सिर्फ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव आएगा, यानी कि अगर मैं साइन 120 डिग्री की बात करूं तो वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बट मैं cos 120 डिग्री की बात करूं तो वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए, tan 120 की बात करूं तो वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाऊं तो सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट यानी 180 और 270 डिग्री के बीच की बात है, लाइक अगर मैं tan 210 डिग्री की वैल्यू निकालूं तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन sin 210 डिग्री की वैल्यू की बात करूं तो नेगेटिव आएगा, cos 210 की बात करूं तो नेगेटिव आएगा। और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होगा, फोर्थ यानी कि 270 और 300 के 270 और 360 के बीच की बातें हो रही हैं, लाइक अगर मैं 300 डिग्री के वैल्यू की बात करूं कॉस की, तो कॉस 300 तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जब मैं टैन 300 निकालूंगा तो निश्चित रूप से वैल्यू नेगेटिव होगा, मैं साइन 300 निकालूंगा निश्चित रूप से वैल्यू नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ रही है क्या?